बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम ब्रिगेडियर प्रोफेसर सलीम अहमद है। आई एम रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी और मैं बीएफ हॉस्पिटल में एज कंसल्टेंट और एचओडी एनेस्थीसिया यहाँ पे अपने फ़र्ज़ अंजाम दे रहा हूँ। यहाँ पे मेरे साथ डिपार्टमेंट में बड़ी अच्छी टीम है जो कि सारे क्वालिफाइड हैं और बड़े एक्सपीरियंस हैं। उसी की वजह से हम लोग इस काबिल हैं कि हम हर किस्म की सर्जरी को यहाँ पे एंटरटेन करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 8 ऑपरेटिंग रूम्स हैं जो कि मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये फंक्शन करते हैं राउंड द क्लॉक। ऑपरेशन थिएटर में हमारे पास ऑर्थोपेडिक सर्जरी, गायनी सर्जरी, ENT, IA, न्यूरो सर्जरी और उसके अलावा थोरेसिक सर्जरी और यहाँ पे हमारे पास कार्डियक सर्जरी भी हो रही है। और हमारे पास टीम बड़ी अच्छी है, हर किस्म की केसेस को वो डील भी कर रहे हैं और हमारी जो कॉम्प्लिकेशन रेट है वो भी बहुत कम है। पेशेंट के हवाले से हमारा जो फोकस है वो पेशेंट सेफ्टी के ऊपर है। पेशेंट के एडमिशन से पहले हम उनको एग्जामिन करते हैं, उनका प्री एनेस्थीसिया करते हैं और जो जिस चीज़ के लिए वो एडमिट हुए हैं अगर उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है एनेस्थीसिया में या एनेस्थीसिया के लिए उनको डिजीज़ को या उनकी कंडीशन को मॉडिफाई करना होता है तो हम उसको ऑपरेशन से पहले करते हैं ताकि पेशेंट को किसी किस्म का नुकसान जो कि उसकी ट्रीटमेंट की वजह से हो सकता है। उसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि एक ऐसा पेशेंट जिसका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा रहता है और जिसको ब्लड शुगर की भी बीमारी है और उसकी ब्लड शुगर भी ज़्यादा रहती है और हम देखते हैं कि अगर उन्हें कोई अल्लाह की तरफ से कोई इस किस्म की बीमारी आ जाए जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर भी उसके ऊपर भी असर आता है और उसके साथ जो शुगर है उसके ऊपर भी असर आता है। शुगर का ज़्यादा होना भी ठीक नहीं और शुगर लेवल जो खून में है उसका कम होना भी ठीक नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास हॉस्पिटल में हर वक्त बाकी हेल्प भी मौजूद है और हमारे लोग इसमें ट्रेंड भी हैं कि वो इनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं और हम उनको जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं वो टर्म है कि हम उनको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब है कि ज़्यादा नुकसान पेशेंट को, ज़्यादा क्या कि पेशेंट को नुकसान ना हो, हमने हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद है पेशेंट को, पेशेंट की सेफ्टी, पेशेंट को किसी भी नुकसान से बचाना। क्योंकि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पहली अगर तीन बीमारियां लें, बीमारियां और कॉज ऑफ डेथ अगर लें, मरने की वजूहात, उनमें ये मेडिकल एरर्स जिसमें के गलत दवाई दी गई, पेशेंट की अपनी बीमारी इस किस्म की थी या ट्रीटमेंट के बाद कोई प्रॉब्लम हुआ, वो तीसरे नंबर पे आती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि उसको पेशेंट को पहले ऑप्टिमाइज़ कर। अब जो दूसरी मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ ऑपरेशन थिएटर में नहीं, हमारी सर्विसेज और जगहों पे भी हैं, जैसे इंटेंसिव केयर में वेंटिलेटरी सपोर्ट देना और एंडोस्कोपी रूम में जो लोग आते हैं अपनी सॉफिगोस्कोपी के लिए या क्लोनोस्कोपी या इवन जो ट्रीटमेंट करते हैं ERCP वगैरह, उसमें फिर रेडियोलॉजी में हमारी सर्विसेज हैं, रेडियोलॉजी में MRI जो लोग मशीन से घबराते हैं, जो क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं, उनको फिर एनेस्थीसिया के ज़रिए से उनका MRI अगर ज़रूरी है करना तो फिर वो भी करते हैं। हमारे पास ये फैसिलिटी भी है और उसके अलावा यहाँ पे पेन क्लिनिक भी है हमारे पास, जिसमें जो पेशेंट्स पेन के हवाले से आते हैं, जो कि जिनकी सर्जरी होगी वो भी और जिनको किसी और किस्म का दर्द है, जैसे जोड़ों का दर्द है, तो मसल का दर्द है, तो उनको भी ट्रीट करते हैं। और एक और चीज़ जो
हम गायनी वालों के साथ और ऑब्स्टेट्रिक्स वालों के साथ करते हैं, उन पेशेंट्स को जो कि लेबरिंग पेशेंट्स हैं, जो कि जचगी का जो दर्द है उसको ख़त्म करने के लिए एपिड्यूरल सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये था सारा तारुफ मेरे डिपार्टमेंट का और जो हम करते हैं बाकी जगहों पे। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।